दोस्तों अभी के समय में परेशान करने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप हमारा इंडियन शेयर मार्केट को देखोगे, यानी कि अगर आप हमारा निफ्टी 50 को देखोगे ना, तो भैया ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यानी कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट पूरा टॉप पर पहुंच गया है। तो क्या ये सही समय रहेगा शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का? यानी कि आप चाहे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे ETF में पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप SIP इन्वेस्टमेंट करो, कुल मिलाकर क्या ये सही समय है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट तो टॉप पे है, या फिर मार्केट क्रैश करने का वेट किया जाए? आखिर क्या करना सही रहेगा इस समय पर? अगर आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आज की इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट के अपडेट के बारे में, यानी कि अभी हमारा शेयर मार्केट में चल क्या रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या मार्केट क्रैश होगा, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट टॉप पर पहुंच गया है, तो क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या अभी सही वक्त है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर इस टाइप का कंफ्यूजन आपके भी दिमाग में घूमता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट का अपडेट के बारे में, यानी कि अभी के टाइम पे हमारा इंडियन शेयर मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? तो जो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, पहला बुल, दूसरा बियर। बुल और बियर की लड़ाई में जो जीतता है वही सिकंदर होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। बुल हमेशा कोशिश करता है कि मार्केट को ऊपर ले जाओ, और बियर हमेशा कोशिश करता है कि मार्केट को क्रैश करवाओ, ठीक है? और बियर को बस बहाना चाहिए होता है, यानी कि जो मार्केट में बिकवाली करता है, जो बियर लोग होता है ना, उनको बस छोटा सा बहाना चाहिए कि मार्केट को किसी भी तरह क्रैश करवाओ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे 2008 में मार्केट गिरा था, बियर को बहाना मिल गया था मार्केट को गिराने का। 2011 में मार्केट गिरा था, बियर को बस बहाना मिल गया था मार्केट को गिराने का। 2020 में कोविड आया तो मार्केट गिरा था, बियर को बहाना मिल गया था मार्केट को क्रैश करवाने का, ठीक है? लेकिन अभी के टाइम पे आप जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट देख रहे हो कि लगातार ऊपर जा रहा है, भैया बियर वाले को कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है कि मार्केट को क्रैश करवाओ, पॉइंट नंबर वन। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो कि आकाश भाई मार्केट कब क्रैश होगा, तो भैया मार्केट जो क्रैश होगा ना, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट कब क्रैश होता है, बियर को बहाना चाहिए। तो बियर को अभी के टाइम पे कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है मार्केट को गिराने का, मार्केट को क्रैश करवाने का। जो बहाना बियर को 2008 में मिला था, 2011 में मिला था, 2020 में मिला था, अभी के टाइम पे कोई ऐसा बहाना नहीं है बियर के पास कि मार्केट को क्रैश करवाओ। इसीलिए अगर आप इंडियन शेयर मार्केट को देखोगे तो टॉप पर है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है? दूसरा एक और कारण है कि अभी ना हमारा इंडियन शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इतना मजबूत हो गया है अभी आपको पता चलेगा। देखिए पहले के टाइम पे, ये बात मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है, पहले के टाइम पे शेयर मार्केट को एक ही आदमी चलाता था जिसको बोला जाता है FIS, यानी कि ये वो है जो हमारे देश के बाहर के लोग है, ये फॉरेन इन्वेस्टर है इनको बोला जाता है, और ये लोग शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपया लगाता है। तो जब शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपया लग जाता है ना, तो मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है, ठीक है? तो आज से अगर आप 7-8 साल 10 साल पहले चले जाओगे ना, तो यही लोग हमारे इंडियन शेयर मार्केट को कंट्रोल करता था। FIS अगर मान लीजिए आज के दिन हमारे इंडियन शेयर मार्केट में 1000 करोड़ डाल दिया, हमारा इंडियन शेयर मार्केट ऊपर। आज से 10 साल पहले अगर FIS हमारे इंडियन शेयर मार्केट से 10,000 करोड़ निकाल लेता था, बेच देता था, हमारा इंडियन शेयर मार्केट नीचे चला जाता था, ठीक है? तो ये मैंने पुराना डेटा बोला, पहले के टाइम पे FIS हमारे इंडियन शेयर मार्केट को कंट्रोल करता था, और इसके साथ लड़ने वाला कोई हीरो नहीं था। लेकिन आज के डेट में भैया FIS के साथ लड़ने वाला जो हीरो है, उस हीरो की एंट्री हो चुकी है। और वो हीरो कौन है, कमेंट में बताओ, वो हीरो कौन है? वो हीरो आप हो, मैं हूँ, हमारे देश का जनता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले के टाइम पे हीरो था FIS, FIS जैसा चाहता था वैसा हमारा इंडियन शेयर मार्केट को कंट्रोल करता था। लेकिन आज के डेट में भैया एक और हीरो की एंट्री हो चुकी है, जिसको बोला जाता है DIS, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। आप जो म्यूचुअल फंड में भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भर भर के SIP पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? वो पैसा जा रहा है DIS के पास। तो DIS के पास अभी इतना पैसा आ चुका है ना,
पहले के टाइम पे FIS अगर 1000 करोड़ बेच के हमारा इंडियन शेयर मार्केट को नीचे ले जाता था ना, अभी के टाइम पे FIS अगर बेचता भी है ना, यहाँ पे फिर DIS पैसा लगा के मार्केट को फिर उठा देता है। इतना ज्यादा मजबूत हो गया है DIS। और DIS के पास किसका पैसा है? मेरा पैसा, आपका पैसा, हमारे देश के जनता का पैसा है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो कहाँ जाता है? इसके पास जाता है। SIP कर रहे हो कहाँ जाता है पैसा? इनके पास जाता है, ठीक है ना। इसका एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको। पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे, ये देखो जी, फाइनेंशियल ईयर 16-17 का बात मैं बता रहा हूं। पहले के टाइम पे हर महीना लोग म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करता था? 3000 करोड़, 3100 करोड़, 3300 करोड़, 3300 करोड़। आज से मोटा मोटी आप 7-8 साल पीछे चला जाओ तो ये डेटा था। उसके बाद अगर आप 17-18 फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो भैया 4,42 करोड़, 4,500 करोड़ हर महीने का ये लोग पैसा इन्वेस्ट करता था। लेकिन आज के डेट का कहानी देखोगे, माथा खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो जी, ये है फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी के टाइम पे देखो, अप्रैल महीना में लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 20,000 करोड़। यही पहले कितना होता था? 3000 करोड़, 4200 करोड़, 6000 करोड़ होता था। अभी के टाइम पे एक महीना में कितना आ गया? 20,000 करोड़। मई महीना में कितना इन्वेस्ट किया गया? फिर 20,000 करोड़। जून का देखो 21,000 करोड़, जुलाई का देखो 23,000 करोड़, फिर अगस्त महीना का देखो 23,500 करोड़। तो इतना पैसा आ रहा है DIS के पास। तो DIS पैसा कहां लगाएगा मेरे भाई? कहां लगाएगा? मार्केट में ही लगाएगा। तो एक तरफ FIS पूरा हाथ धोकर पड़ा है कि मार्केट को क्रैश करवाओ, लेकिन भैया हमारा जो DIS है ना, वो पैसा लगा के मार्केट को फिर टॉप पे पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, जो अपडेट आपको जानना जरूरी था कि मार्केट अभी इतना भाग रहा है, टॉप पर है, उसका क्या रीजन है। तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हमारा देश का जनता म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मार्केट में अभी पैसा बहुत आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ना, इसी महीना, इससे पहले वाला महीना अगस्त महीना में लोगों ने टोटल म्यूचुअल फंड में कितना डाला था? 23,000 करोड़ रुपया। मजाक है कहिए? पहले एक एक महीना में 3000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता था, और अभी एक एक महीना में 23,500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे DIS काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा मार्केट टॉप पे है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो FIS DIS का क्या कहानी है, आशा करता हूं आपने समझ लिया। अब बीयर को क्यों मौका नहीं मिल रहा है मार्केट को गिराने का, उसका सबसे बड़ा और भी कुछ कारण है। जैसे कि सबसे पहला कारण है इलेक्शन, यानी कि जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में मार्केट जो पार्टी को चाह रहा था कि ये वाला पार्टी आए, सीट पर आए, वही पार्टी आया अल्टीमेटली। हालांकि मेजोरिटी के साथ नहीं आया, लेकिन वही पार्टी आया। तो इलेक्शन का रिजल्ट के दिन बीआर वाले को अच्छा मौका था मार्केट को गिराने का, अगर इलेक्शन का रिजल्ट में थोड़ा भी 19-20 हो जाता। लेकिन वहां भी बीआर वाला हार गया, ठीक है, कोई मौका ही नहीं मिला मार्केट को गिराने का। बजट भी एक बहुत बढ़िया मौका था बीआर वालों को मार्केट को क्रैश करवाने का, गिराने का, लेकिन बजट भी मोटा मोटी ठीक ठाक रहा, तो वहां भी बीआर वाले को मौका हाथ से चला गया, ठीक है। उसके बाद वार भी कुछ समय पहले, वार का भी सिलसिला काफी तेज हो रहा था, ईरान इजराइल वार, ये वो। तो वार का सिचुएशन अगर काफी ज्यादा खराब हो जाता तो वहां भी बीआर वाले को मौका मिल सकता था मार्केट को क्रैश करवाने का, लेकिन वार भी मोटा मोटी अभी ठीक ठाक है, उतना ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं है, तो वहां भी बीआर वाले को मौका छूट गया। उसके बाद एक और रीजन होता है मार्केट क्रैश करवाने का, जो है क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि कच्चे तेल का अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो भी बीआर वाले को काफी ज्यादा मौका मिल जाता है मार्केट को गिराने का। लेकिन भैया क्रूड ऑयल का प्राइस भी अभी ठीक ठाक है, तो वहां भी मौका छूट गया। उसके बाद रेट कट एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता था मार्केट को गिराने का बीआर वाले के पास, अगर जो रिसेंटली अमेरिका में रेट कट हुआ, अगर रेट कट नहीं होता तो वहां भी मौका मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेट कट भी हो गया। तो बीआर वाले को कोई मौका नहीं मिल रहा है मार्केट को गिराने का। ये सारा टाइम था जब बीआर वाला अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव रहा, इसलिए आज के डेट में मार्केट टॉप पे है, ठीक है। ये सब कुछ जानना आपको जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब कुछ लोग ये भी बोलेगा कि आकाश भाई आप मार्केट क्रैश करवाना चाहते हो क्या, जो ये सब बता रहे हो? तो भैया क्रैश करवाना नहीं चाहता मैं, बस आप लोगों के साथ शेयर किया कि बीआर वाले के पास कितना ज्यादा मौका था मार्केट को गिराने का, लेकिन सारा का सारा मौका उनके हाथ से चला गया, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिव रहा, और भगवान करे सब कुछ पॉजिटिव रहे, ओके। तो यहां तक क्लियर है? अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, अभी जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट टॉप पर है, कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है या नहीं,
उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट बनवा सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, म्यूचुअल फंड, SIP, ट्रेडिंग, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम पे हर जगह सोशल मीडिया पे आपको यही देखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। तो आखिर इसका रियलिटी क्या है और इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि शेयर बाजार में दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, बुल और बियर। बुल मार्केट को ऊपर ले जाता है, बियर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो बियर वाला बहुत सारा इवेंट ऐसा था जिन इवेंट में बियर मार्केट को क्रैश करवा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे ये सारा इवेंट पॉजिटिव रहा, जिसके वजह से बियर वाले के पास कोई मौका नहीं मिला मार्केट को गिराने का, ठीक है। बहुत सारा इवेंट था, इलेक्शन था, बजट था, रेट कट हुआ, सब कुछ पॉजिटिव रहा, इसीलिए बियर वाले को मौका नहीं मिला। लेकिन आने वाले कुछ समय में एक ऐसा बहुत बड़ा इवेंट है, जिस इवेंट पे अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, शेयर मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए। क्यों, क्या इवेंट है? इवेंट वो है कि भैया अमेरिका का इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन आपको पता है कि इसी साल नवंबर महीना में आने वाला है। तो इलेक्शन में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो हो सकता है कि बियर वाला शेयर बाजार पर हावी हो जाए। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेगा कि अरे आकाश भाई, अमेरिका के इलेक्शन के साथ हमारा इंडियन शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन होता है? तो भैया अमेरिका जब छींकता है ना तो पूरा दुनिया को सर्दी लग जाता है। तो अमेरिका के साथ पूरा देश का, पूरा दुनिया का शेयर मार्केट कनेक्ट है तो इंडिया तो रहेगा ही, है ना। तो अमेरिका का नवंबर में इलेक्शन है, वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बियर वाला शेयर बाजार में हावी हो सकता है, पॉइंट नंबर वन। ये पहला बात हो गया। दूसरी चीज क्या है कि शेयर मार्केट इतना भी सिंपल नहीं है कि जो हर किसी को लग जाए वही शेयर मार्केट में हो। कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में ना, आप किसी बच्चे से भी जाके पूछोगे जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज है, वो बच्चा भी आपको बोल देगा कि भैया आने वाले समय में मार्केट क्रैश होने वाला है। आप सोशल मीडिया में देखो, भर भर के आपको यही मिलेगा वीडियोस या फिर आर्टिकल, यही मिलेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, ये वो अनप सनप मिलेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार इतना भी सिंपल नहीं है कि जो हर कोई प्रेडिक्ट करे वही शेयर मार्केट में हो। शेयर मार्केट में हमेशा वही होता है जो लोगों के सोच से बाहर होता है, जो आप में, हम जैसे जो लाखों लोग हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, वही शेयर मार्केट में होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसको पता था भैया 2020 में जो मार्केट गिरा, इतना बड़ा मार्केट गिरा, किसको पता था कि 2020 में शेयर बाजार 50% गिर जाएगा कोविड की वजह से? हुआ ना। किसको पता था कि 2011 में मार्केट इतना गिर जाएगा? गिरा ना। किसको पता था कि 2008 में मार्केट इतना क्रैश होगा? फिर भी गिरा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार में जब जब क्रैश आया है, जब जब मार्केट गिरा है ना, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि मार्केट अभी गिरने वाला है, ठीक है, और तभी मार्केट गिरा है। तो अभी के टाइम पे हर कोई कल्पना कर रहा है, हर किसी को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। तो क्या लगता है ऐसा होगा पॉसिबल? अभी आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में बताओ कि अभी के टाइम पे हर किसी को लग रहा है कि मार्केट टॉप पे है, मार्केट अभी गिरेगा। तो जो हर किसी को लगता है, क्या वही मार्केट में होगा, या फिर जब हर कोई सोचना बंद कर देगा, हर किसी को लगेगा कि अब मार्केट नहीं गिरने वाला, तब हमारा शेयर बाजार झटका दे दे? आपको क्या लगता है, आपका राय मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। मुझे तो मेरा पर्सनल राय ये है कि भैया जब सबको लगना ऐसा बंद हो जाए कि मार्केट तो अब गिरने वाला नहीं है, उसी टाइम हो सकता है शेयर बाजार झटका दे दे, मेरा पर्सनल ऐसा राय है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, ठीक है। आपका क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आप मेरे राय से एग्री करते हो तो नीचे कॉमेंट में आप एग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था मार्केट क्रैश को लेकर। एंड फाइनली अब सबसे बड़ा सवाल कि भैया अभी क्या करना चाहिए, जबकि अभी शेयर बाजार टॉप पे है, तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर सही नहीं है, क्या करना चाहिए, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार आने वाले समय में क्रैश होने वाला है, अगर आपको लगता है, आपको बिलीव है, आपका एनालिसिस कहता है कि शेयर बाजार आने वाले समय में क्रैश होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, तो आप इस वाला स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, यानी कि 25% इंटू 4 स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप शेयर बाजार में 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको शेयर बाजार में टोटल 100 रुपया लगाना है और आपको ऐसा डाउट है कि आने वाले समय में मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, तो आप ये वाला स्ट्रैटेजी, यानी कि 100 रुपया अगर आपको लगाना है तो आप 25 रुपया करके 4 बार पैसा लगाओगे। कैसे लगाओगे? मान
लेते हैं अभी अपने मार्केट टॉप पे है, अभी अपने 25 रुपया लगा दिया, उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट क्रैश होगा, और अगर वाकई में वैसा होता है, मान लीजिए मार्केट 5% गिर गया, तो आप फिर से 25 रुपया लगा दिया, ठीक है। उसके बाद और मार्केट मान लेते हैं 5% और गिर गया, फिर से आपने 25 रुपया लगा दिया, उसके बाद और मान लेते हैं मार्केट और 5% गिर गया, आपने फिर से 25 रुपया लगा दिया, तो आपने चार बार में 25-25 करके टोटल 100 रुपीज लगा दिया, और आपने जब जब मार्केट गिरा तब तब लगाते गए, तो आपका एवरेजिंग काफी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मार्केट क्रैश होगा। अब मार्केट क्रैश होगा या फिर नहीं, या फिर मार्केट टॉप पे है और कितना टॉप पे जाएगा, किसी को नहीं पता। मैंने आपको क्या बोला, शेयर बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मार्केट और ऊपर चला जाता है फिर तो ये स्ट्रेटेजी से नुकसान ही हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट क्रैश होगा, तो ये 25% × 4 स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जब जब मार्केट गिरेगा तब तब पैसा घुसाते जाओगे, तो आपका एवरेजिंग काफी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि आपके पास कैश भी होना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि अभी जैसे कि मार्केट टॉप पर है, अगर कभी मार्केट गिरता है तो मार्केट गिरने पर काफी सारा अच्छे अच्छे शेयर डिस्काउंट में मिलता है, तो डिस्काउंट में मिलता है, और अगर आपके पास कैश नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो उन कंपनी के शेयर को आप खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम आपके पास थोड़ा कैश भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जबकि टॉप पे है, कभी भी गिरेगा तो उसका आप सही से फायदा उठा पाओ, ठीक है। तो कैश भी होना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड में एक बार में वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये उसमें भी आप ये वाला स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार में पैसा लगाओगे, उसके बाद मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ठीक है। एंड फाइनली, अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फिर तो आपको उतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि SIP में क्या होता है कि मार्केट, देखो मार्केट तो सीधा ऊपर नहीं जाता है ना, मार्केट कभी ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है, गिरता है। तो SIP इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा कभी टॉप में भी लग जाता है, आपका पैसा कभी डाउन में भी लग जाता है, फिर टॉप में लगता है, फिर डाउन में लगता है, फिर टॉप में लगता है, फिर डाउन में लगता है। तो SIP में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट टॉप में है, मैं अभी SIP करूं या फिर नहीं। SIP में मार्केट ऊपर जब जाता है तब भी आपका पैसा लगता है, नीचे जाता है तब भी आपका पैसा लगता है, तो कुल मिलाकर आपका फायदा ही होता है, ठीक है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हो एक बार में, तब आपको सोचना चाहिए कि मार्केट अगर गिरेगा तब मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन SIP इन्वेस्टमेंट में मार्केट टॉप में रहे तो क्या दिक्कत है, आज टॉप पे है, कल फिर गिरेगा, फिर आपका SIP हो जाएगा, परसों फिर ऊपर जाएगा, फिर आपका SIP हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया, कुछ भी आपको हमारे तरफ से एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, और डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।